हमनी के पूर्वांचल में तो योगी जी के बहुत काम बोला था। मतदान परिषद का देखिए, एनडी गठबंधन के लोग वोट डालने बहुत कम आए, उनको पता था उनके प्रत्याशी कभी रही नहीं है। जी ये अवश्य जो है बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी। नहीं, योगी और मोदी के चेहरे पर ही वोट मिल रहा है, मौजूदा सांसद के नाम पर तो वोट नहीं मिल रहा, जो सही बात है। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है सरकार बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एग्जिट पोल पर जमीनी हकीकत क्या है और आम जनता क्या कहती है, कुछ लोगों से हम जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? समीर कुमार। समीर जी, क्या लग रहा है जो मतदान हो गया, अब जो एग्जिट पोल दिखा रहा है बीजेपी की सरकार फिर तीसरी बार मोदी सरकार? देखिए मोदी जी की तरफ चुनाव के परिणाम तो झुकल बा, खास करके गांव में जो अनाज बटेला हमनी के यूपी बिहार में ही कहल जाला कि जेकर खाई जाए वो कल तनी गाइल जाए, तो ओकर नतीजा बा कि अनाज के देन बा कि देहात के लोग एहसान रखे के नहीं चाहत, लौटाओ के चाहता, तो मोदी जी की तरफ झुकाव बा। शहरी क्षेत्र में पेंशन ओनसन के लेके जो मास्टर लो बा लोग ई लोग बीजेपी से दगाबाजी के विपरीत में चल गए बा लोग। आ रुझान जोन बा चैनल लंबा लंबा ऐड पावेला तो रुझान हमेशा सत्ता के पक्ष में दिखावेला, तो स्थिति बा कि सरकार बीजेपी के बनी जोन जमीनी हकीकत बा, लेकिन इतना बहुमत से ना बनी जितना चैनल बना होता। अब जनता के जोन रिजल्ट बा दो दिन के अंदर आ जाए तो समझी कि सरकार बीजेपी के लेकिन बहुत टाइट सरकार ना रही, आई देश हित में रही, तनी कमजोर रही तो देश हित में रही, कुछ कुछ काम धंधा होत रही, विपक्ष भी टाइट रही। क्या लगा था कि जो सरकार जो है जो अनाज फ्री बांटा था तो ज्यादा असर करा था आम आदमी पर? देखिए रौर जोन शब्द बा ये रामायण से चलल बा, तो राम के असर रहला, राशन के असर रहला ये चुनाव पर। और जहाँ तक बा हमनी के पूर्वांचल में तो योगी जी के बहुत काम बोला था, प्रत्याशी तो ऐसा नखादा थोपले बालो जो न जौनपुर के प्रत्याशी गोरखपुर में, गोरखपुर के प्रत्याशी पंजाब में चुनाव लड़ाओ तालो, ये पर जनता बड़ी दुखी भी है। आ प्रत्याशी तो घमंड से गुब्बारा बनल बालो, ऐसा बनल बालो कि जनता गाली दे दे के मोदी जी के मेहनत था, योगी जी के मेहनत के चुनाव में पूजले भी है जनता कि ये लोग के मेहनत के हमनी के रीढ़ी बानी सन, ये लोग के कैला के हमनी के रीढ़ी बानी सन, रीढ़ उतारे के बा। आज समझी कि दामाद नियर प्रत्याशी लोग वोट पौले वालो बिना मेहनत के, बिना खर्चा के, अब बिना कोनो जनता के बीच पहचान बनौला है। का मतलब ये बा कि प्रत्याशी को नहीं मोदी और योगी के देख के? हाँ एकदम, ये पूर्वांचल में तो यही पर वोटे पड़ल बा, इतना योगी जी काम कैले बानी, परम पूज्य जी के हमनी के एहसान वोट के दे के हाथ के मजबूत करे के कोशिश कैले बानी सन। और पूर्वा खास करके गोरखपुर में रोवा के बताओ तनी गांव के कोना कोना से आ जे प्रत्याशी के चेहरा देख ले बा, भाषण सुन ले बा, वो प्रत्याशी के ठीक उल्टा वोट दे ले बा। खास करके बीजेपी के प्रत्याशी एकदम गुब्बारा बानी वहाँ के, बहुत बढ़िया कलाकार बनी। तो हमने कहा कि मोदी और योगी के नाम पर प्रत्याशियों को वोट मिला है ना कि प्रत्याशी के चेहरे पर, क्या लग रहा है जो बीजेपी ने नारा दिया था 400 के पार और जो एग्जिट पोल आ रही है इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार दिखाई? सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन एग्जिट पोल तो अपनी जगह जो बोल रहा है हम लोग को और भी सूचना मिल रही है कि इंडी गठबंधन बहुत ज्यादा खंडमंडन बचा हुआ है, अभी से लोग संपर्क में है इंडिया गठबंधन में आने के लिए और कहीं 400 क्या 450 प्लस ना हो जाए, ये देखिए चल रहा है मामला। ठीक है तो एग्जिट पोल कहीं ना कहीं देखिए कुछ हकीकत भी होते हैं, और चूंकि आधा चैनल ऐसा बोले तो लगभग सारे चैनलों का एक है, तो कहीं ना कहीं आंकड़े मैच कर रहे हैं। जो मतदान प्रतिशत हुआ अगर गोरखपुर मंडल की बात की जाए तो 55% मतदान हुआ, तो क्या लग रहा है कि मतदान प्रतिशत का कोई असर पड़ेगा सीटों पर भी? मतदान प्रतिशत का देखिए एनडी गठबंधन के लोग वोट डालने बहुत कम आए, उनको पता था उनके प्रत्याशी कभी रही नहीं है, अगर विपक्ष के प्रत्याशी तो कभी दिखे ही नहीं, मतलब किसी के लड़ाई में जो भी है। देखिए गोरखपुर और मोदी जी की जो बात है, जब बहुत बड़ा वट वृक्ष कहते हैं ना जब रहता है तो छोटे छोटे वृक्ष का थोड़ा नाम हट जाता है, वो इतना बड़ा नाम हमारे लिए योगी जी ऐसे ही नहीं, हम लोग जैसे मैं व्यापार मंडल से जुड़ा हूँ तो योगी जी को ऐसे ही नहीं हम लोग सम्मान देते हैं, या ऐसा नहीं कि भाजपा की वजह से हम लोग दे रहे हैं, वास्तव में कि हम लोग की हर लड़ाई योगी जी ने शुरू से लड़ाई की है। अच्छा, यहाँ के सांसद से जब भी पूछा जाता है कि अपने 5 काम बता दिए, वो हर हर महादेव कह देते हैं, इसका मतलब सांसद ने कुछ काम किया कि फिर देखिए दो बातें हो जाती हैं। हम अगर योगी जी को सम्मान दे रहे हैं, जैसे हम अगर हम किसी संगठन में हमारा हम अध्यक्ष हैं उसके और हमारा महामंत्री काम करेगा, कोई सदस्य भी काम करेगा तो नाम मेरा हो जाता है। ठीक है तो ये तो सम्मान देने की बात है, हम लोग तो योगी जी को हमेशा सम्मान देते हैं, हम भी कुछ करेंगे उन्हीं के लिए कर रहे हैं। तो देखिए सांसद निधि का कोई भी काम है तो ऐसा तो है नहीं कि सांसद निधि का कोई काम नहीं हुआ, वो नहीं जुड़ा रहा तो उनका बड़प्पन है, बार बार कहा जाता है हम योगी जी के मोदी जी के लिए कर रहे हैं, ये तो बड़प्पन है। सांसद निधि से जितने भी काम होंगे तो सांसद का ही है,
और आप कमीशन पर होला सांसद ने योगी जी जैसा महान ईमानदार आदमी बा जे 1000 ग्राम प्रधान के भाई नेम जाने भाई नेम जानेला आ क्षेत्र में काम करेला जनता के एक एक नाम से योगी जी पुकारे ले आ वो मंदिर के देन हजार लोग के शिकायत सुनेला और निस्तारण करेला हमरा सोचिए हमारी बात। जब तक आपके पास कोई साक्ष्य न हो इस तरह के इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। बता दी कि हमारा जो रवि किशन जी बानी कोना हॉस्पिटल में भ्रमण करी ले जहाँ दिन दुखी के बात सुनी ले कहीं गए लोग कबो सदर कबो सदर कबो सदर में वहाँ के जा अब मुंह ना खुलवाई सदर में कबो देखले बनी रहुआ कबो मेडिकल में देखले बनी रहुआ वहाँ के पहले ये बताई रवि के ये देखिए वहाँ के एगो बढ़िया कलाकार बनी अपन कला जनता के बीच में भी दिखाओ तानी। फिलहाल एजा योगी जी के हाथ मजबूत करे के रहा हमू भाजपा के वोट दिले बानी रुआ का कही हम रुआ के। देखिए ये भोजपुरी है भाई क्या लग रहा है कि बार से जो वोटिंग हुई है 55% वोटिंग हुई है और एग्जिट पोल दिखा रहा है कि जो है बीजेपी फिर तीसरी बार नरेंद्र मोदी बना रहे क्या सही जी है? ये अवश्य जो है बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी ये दिख रहा है लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल 400 पार दिखा रहे हैं वो कहीं से भी जो है नहीं दिख रहा है। जहाँ तक कि मेरा विचार है 350 के आसपास जो है कि सीटें जो है ये आएंगी और नाउ कितना बार ये सामने आई जाएगा देर और है जो है कि सब कुछ सामने आ जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा जो है चर्चा परिचर्चा करने का कोई बहुत लाभ नहीं। ये कह रही कि इस बार जो है प्रत्याशी को ना देखकर जो है मोदी योगी के नाम पे हर व्यक्ति काम को देखता है जो है अगर प्रत्याशी को देखे प्रत्याशी ने क्या काम किया है तो भी बात वही होती है और काम को अगर वो देखता है तो मुख्य जो भी है ऊपर ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे वहाँ से चुनाव कौन लड़ रहा है उसकी शकल देखनी है। हमको ये देखना है कि हमारा मुखिया कौन है जिसके कहने पे जो कार्य हो रहे हैं जिनके नाते जो कर... जो बीजेपी ने नारा दिया था 400 के पार क्या 400 पार कर जाएगी? जी 420 हो जाएगी। अच्छा 420 हो जाएगी। देखिए इन्होंने तो बहुत अच्छा नंबर दे दिया भाई 420 हो गया जी। आपको क्या लग रहा है अब की सरकार मोदी सरकार मेरी? अच्छा एग्जिट पोल जो दिखा रहा वो सही है? आप भाई साहब बताए क्या लग रहा है जो टीवी पे एग्जिट पोल दिखा रहा है? एकदम 100% सही उससे आगे ही जाएगा है? उससे आगे जाएगा। कितना आगे? जिस 400 पार का नारा दिया था 400 पार ही होगा। अच्छा हाँ रिजल्ट आते आते लास्ट रिजल्ट आते आते आपको दिखेगा 400 पार। अगर मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो चिलचिलाती धूप में 55% ही मतदान हुआ गोरखपुर में। एक्चुअली शहरी क्षेत्र में तो कम है ग्रामीण में फिर भी ग्रामीण में फिर भी अच्छा और ग्रामीण क्षेत्र से ही बीजेपी को वोट ज्यादा मिल रहा है। बहुत से और भी लोगों का कहना है कि लोग प्रत्याशी के चेहरे पे नहीं मोदी योगी के चेहरे पे वोट दिया क्या? हाँ निश्चित रूप से मोदी के चेहरे पर ही वोट मिल रहा है। जो मौजूदा सांसद रवि किशन उनको नहीं दिए आप लोगों ने? नहीं 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 योगी और मोदी के चेहरे पर ही वोट मिल रहा है मौजूदा सांसद के नाम पर तो वोट नहीं मिला जो सही बात है। देखिए कहीं ना कहीं जो इस बार जो जनता की जो नाराजगी इस बात को लेकर है कि जो प्रत्याशी बनाए गए हैं और उनके नाम पे नहीं मोदी योगी के नाम पे वोट दिया गया और जो टीवी चैनलों पर यानी मीडिया पर जो एग्जिट पोल चल रहा है इस बार फिर जो है बीजेपी को तीसरी बार प्रधानमंत्री ने मोदी को बहुमत की सरकार बनते हुए दिखाई दे रहा है लेकिन 4 जून को ही ये एग्जैक्ट फिगर क्लियर होगा कि किसकी सरकार बनती है। गोरखपुर से फैयाज अहमद।